अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे भाइयों। मैं आपकी बहन सैयदा नाहिदा खत्री, खिदमत खल्क एशियन की प्रेसिडेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 8 अप्रैल मंडे यानी कि पीर का दिन है। आज मैं शाइनगर आई हूँ, जहाँ पर हमारी एक बेवा आंटी रहती हैं, जो गुर्दों की तकलीफ है। इनको गुर्दों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। इनको हर महीना हमारे खिदमत खल्क एशियन की तरफ से चावल का थैला और कुछ रकम दी जाती है। तो इसलिए आज भी मैं आंटी के पास ये चावल का थैला और कुछ इनको रकम दे रही हूँ मैं। और इंशाल्लाह आगे भी हम आंटी को इसी तरह मदद देते रहेंगे इनकी दवाइयों के लिए, और उनको अनाज की भी मदद करते रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे कई सारे हमारे बेवा आंटी हैं, बेवा बहने हैं, उनको आप लोग इसी तरह हर महीना मदद करते रहेंगे, तो बराबर इन लोगों की दुआ आप लोग लगेंगी। क्योंकि किसी के घर में अनाज पहुँचाना, उनकी दवाइयों के खर्चे के लिए पैसे देना बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो इंशाल्लाह मैं यही समझती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह हमारे काम में मदद करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम हमारी तरफ से इसी तरह लोगों को मदद देते रहेंगे। आंटी आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम माँ, मैं बहुत दिलो जान से दुआ करती हूँ कि मेरे को आप लोग जो मदद दे रहे हैं, मेरे को जो भेज रहे हैं, वो मेरे को लाके ये मैडम बराबर महीना महीना मेरे को बगैर बोले के पहुँचा दे रहे हैं। मेरे को दवाइयों के पैसे, चावल का थैला सो बगैर फोन करे के बगैर गए के ऑफिस को आ जाता सो मेरे घर पे, मेरे को लाके घर करने भिजा देते, पहुँचा देते। अल्लाह आप लोगों की परेशानी दूर करो, अल्लाह आप लोगों की आल औलाद अच्छी रहो। माँ अल्लाह आप लोगों को हर मुश्किल आसान करो। आप लोगों के सदके, आप लोगों की तुफैल से हम लोगों को अल्लाह सेहत दे रहा। हम लोग आप लोगों का खा रहे, दुआ देते रहेंगे हमेशा इंशाल्लाह। इसी तरह आप लोगों को हमेशा दुआ लगती रहेगी। मैडम को तो बहुत दिनों तो ये मैडम तो मेरे को तो इतना दिल से होता है मैडम के, ऐसे मैं बोल नहीं सकती कि शायद ही इतने भी नहीं करते कोई। बस मैं कुछ नहीं हूँ, बस जो भी कर रहे हैं आप तमाम लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो दुआएं देते हैं लोगों के लिए, बस आप लोगों की बदौलत है और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम निवाले निवाले पे दुआ करते हैं। मामा ना भर चावल खा के हर निवाले निवाले पे आप लोगों की दुआ से बराबर आप लोगों को ऐसे गरीब लोगों की दुआ लगती रहेंगी। बस मैं यही चाहूंगी कि आप लोग इसी तरह ऐसे बेवा लोगों की मदद करते रहिए। और भी कहीं हमारे जितने भी खिदमत खल के एक्टिविटीज़ है, जितने भी हमारे काम होते हैं हमारे खिदमत खल की तरफ से, जो गरीब बच्चों के इलाज करवाना या बच्चों की शादी करवाना, ये सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।